नमस्कार, आप सभी का स्वागत है न्यूज पीआर पर। मैं हुरिया, खबर औरंगाबाद के ओबरा प्रखंड से है। यहाँ बेटी की शहनाई बजने वाली थी दो दिन बाद, और वो मातम में बदल गई। जी हाँ, माँ रिंकू ने कोरोना टीका लिया और उसके बाद चार कदम चलते ही उसकी मृत्यु हो गई, जिसके बाद क्या हुआ होगा यह सब अंदाजा भी हम नहीं लगा सकते। जी हाँ, आपको बता दें कि परिजनों ने सदर अस्पताल में प्रबंधकों पर लापरवाही का आरोप डाला है, और क्या कुछ हुआ है आपको सारी जानकारी साझा करते हैं। तो दरअसल यह सब मामला जो है औरंगाबाद के ओबरा प्रखंड का है, जहाँ पर थाना के भदुआ निवासी खुंदवा थाना के भदुआ निवासी जितेंद्र सिंह के घर दो दिन बाद उनकी बेटी की शादी होने वाली थी, और रिंकू देवी जो कि उनकी माँ है, वो कोरोना टीका लेना था उनको दूसरी डोज, और इसके लिए वो पहुँची थी सदर अस्पताल, और वहाँ जाकर कोरोना टीका लिया, थोड़े कदम चली और उसके बाद वहीं पर गिर पड़ी। फिर जब डॉक्टरों से बोला गया कि उन्हें देखिए, तो पहले तो वो आनाकानी करने लगे, लेकिन जब डॉक्टर ने देखा तो देखा कि वो जो है मृत हैं, यानी कि डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इसके बाद क्या था, परिजन जो हैं वो गुस्से में आ गए और आक्रोशित हो उठे, लापरवाही का आरोप लगाते हुए तोड़फोड़ मचाया, अस्पताल में डॉक्टरों की मारपीट की, और जो अमृत कुमार हैं अस्पताल के डॉक्टर हैं, उपाधीक्षक हैं डॉक्टर विकास कुमार, उनके भी हाथ लग गए और बुरी तरह से पिट गए। जी हाँ, तो कुछ तस्वीरें हैं हमारे पास, कुछ बाइट्स हैं, आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं कि आखिर वहाँ पे पूरा मामला क्या है, क्या कुछ हुआ था। ऐसा जानने में आया हम लोगों के एक महिला पेशेंट आई थी कोरोना का दूसरा डोज लेने के लिए, दूसरा डोज लेने के बाद उनकी मृत्यु हो गई ऐसा बताया जा रहा है। जी जी, इसी संबंध में हम लोग यहाँ पे थोड़ा परिजन लोग शुरू हो गए हैं, इसी संबंध में लोग जाँच करने के लिए हम लोग आए हैं। सर एक चीज़ और जानना चाहेंगे सर, लगातार हॉस्पिटल की लापरवाही की आरोप लगाई जा रही है। नहीं, ये तो अब जाँच का विषय है, लापरवाही किसकी हुई है ये जाँच का विषय है, और हम लोग उसी के लिए आए हैं। 10 बजे हमारी भाभी रिंकू देवी यहाँ कोविड का सेकेंड डोज लेने आई थी, डोज लेने के बाद यहाँ से हॉस्पिटल के स्टाफ लोग बोले कि आप चाहिए, मुश्किल से 5 मिनट के अंदर वो जाती है हॉस्पिटल के मेन गेट पर, पहुँचते पहुँचते बेहोश होकर के चलती है। बेहोश होकर गिरने के बाद मेरा भांजा वहाँ पे था, ये दौड़ते हुए आता है एम्बुलेंस के पास, एम्बुलेंस के स्टाफ जो वहाँ पे खड़े हैं वो बोलते हैं कि एम्बुलेंस मेरे पास नहीं है, आप जाके बाहर से प्राइवेट एम्बुलेंस हायर कीजिए, जबकि 3-3 एम्बुलेंस अंदर में खड़ी है। डॉक्टर साहब के पास जाते हैं तो डॉक्टर साहब जाँच लिखते हैं मरे हुए पेशेंट को, विकास बाबू कि पहले एक जाँच करवाइए, हमारा पेशेंट मर रहा है उस समय जांच नहीं करते हैं, और एक डॉक्टर साहब जाते हैं जाकर देखते हैं, कहते हैं पेशेंट नहीं है, स्ट्रेक्चर नहीं मिल रहा है, किसी तरह टांग टूंग करके हम लोग बेड पे यहाँ पारते हैं। यहाँ का जो निजी गार्ड है हॉस्पिटल के, हमारे परिवार लोग रो पीट रहे थे तो उनको जबरदस्ती वार्ड में से धसुर धसुर कर बाहर कर रहे थे, बल प्रयोग कर रहे थे। हम लोगों ने जब यहाँ आया CS साहब से मिलने की कोशिश की, तो वहाँ भी हमारे साथ पहले तो बहुत तरह अपने एक्शन में आए, लेकिन हम लोग बोले कि नहीं सर से हम लोग मिलेंगे, क्योंकि मेरी पेशेंट को इतना ऐसा क्यों होता है कि इंजेक्शन पड़ा और तुरंत कैसे मर गई, उस पर जांच तो होनी चाहिए या जो दोषी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। सर से मिले, सर आए यहाँ देखे, यहाँ पे बैठे हुए हैं आप देखिए, देख सकते हैं किस प्रकार से उन्होंने बताया कि वो किस कैसे उन लोगों के द्वारा पीटे गए हैं। तो जहाँ जिस घर में शहनाई बजने वाली थी उस घर में जो है मातम छा गया। फिलहाल वजह क्या है यह क्लियर लूप से पता नहीं चल पाया है, कोरोना टीका लगने के बाद हार्ट अटैक आना,
फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है, लेकिन यह जो है काफी चौंका देने वाली खबर थी कि दूसरी डोज लेते ही महिला की मृत्यु हो गई और उसके बाद वहां हंगामा समझ गया। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और भी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।